दोस्तों, आप लोग को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को QR पोर्टल पे शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उसकी सेटअप कैसे करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम अपनी वेबसाइट खोल लेंगे जो www.tival.mp.gov.in है। उस पर यहाँ ऑनलाइन सेवा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक ऑप्शन आया है शिक्षक प्रोफाइल पंजीकरण। तो यहाँ से आपका शिक्षकों का जितने शिक्षक हैं हमारे एमपी में उनका प्रोफाइल पंजीयन हो रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन नॉर्मल बेस से हो रहा था, लेकिन अब शिक्षकों के लिए स्पेशल हो रहा है। इसके लिए प्रोसेस क्या दिया है कि आप केवल बायोमेट्रिक से ही कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक का सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, बायोमेट्रिक सेटअप करने के लिए आपकी जो भी डिवाइस हो, चाहे मार्कबुक हो, यहाँ पर मार्कबुक की आईडी सर्विस निकाल लें, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। भोजन का हो तो भोजन की आईडी सर्विस और ड्राइवर डाउनलोड कर लें। यानी कि आपकी जो डिवाइस है वो विंडो में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद ब्राउजर सेटिंग क्या है उसके लिए मैं फिर बताता हूँ। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक मशीन उपयोग के तब ये स्टार्ट क्या हो गया, ये मंत्र का ही भोजन ही मार्ग। तो इसमें से अपनी सेटिंग कर लें दोस्तों, जो भी डिवाइस यूज करते हो तो ब्राउजर सेटअप कर। उसके बाद आता है ब्राउजर सेटिंग। तो ब्राउजर सेटिंग से आपको जैसे मालूम है कि ये ब्लैक वाला है क्रोम डॉट लोकल हॉस्ट, ये वाला सेटअप कर लें। थोड़ा इसमें देख करके इसको टाइप करके और एलो टेंडर पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल एफ दबा के इनवाइलेट लिखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको थोड़ा दिख जाएगा और इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद जब ये इसको कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद आपको एक परेशानी और आ सकती है कि अगर आप पुराना क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे अपडेट क्रोम लिखेंगे और उसकी जो अपडेट फाइल है उसको डाउनलोड करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्रोम ब्राउजर जो रहेगा उसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद जब इसको करेंगे दोस्तों, एक बार इसको बंद कर देंगे, फिर उसके बाद डिवाइस निकाल देंगे। डिवाइस का सेटअप पूरा होने के बाद फिर उसके बाद आप डिवाइस कनेक्ट करेंगे। अभी मैं मार्को को यूज़ कर रहा हूँ। डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगी, रजिस्टर सक्सेसफुली बताएगा। इस तरह का आपको जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग डिवाइस निकाल के। अरे नहीं तो हम जमाने का बेटा है, सपना कर लेगा। बायोमेट्रिक डिवाइस मेरी चल रही है, ये फिंगर लगाया और जब बायोमेट्रिक डिवाइस चली ये कैप्चर फोटो लगा। आपकी डिवाइस अगर आप सेटअप अच्छे से करके रखेंगे तो आपकी डिवाइस जलने लगेगी। अगर डिवाइस जलती है तो उस पर सेटअप हो जाएगा। तो ये हो गया, अभी मेरी डिवाइस जलेगी कैसे जलेगी, मैंने डिवाइस गलत सेलेक्ट कर दिया है, मेरी डिवाइस मात्र सेलेक्ट कर दिया है। डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, शामिल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी डिवाइस अगर सेटअप आप अच्छे से कर लिए हैं तो जलने लगे, जलने लगे तो लगा देंगे फिंगरप्रिंट और ये सेटअप खुल गया। ये देखिए दोस्तों, ये आधार भी बायोमेट्रिक ले लिया। इसके बाद आपको क्या सिस्टम करना पड़ेगा ये तो मालूम होगा। आप करते जाएंगे ओके कर देंगे। उसके बाद जब ओके कर देंगे तो आपको ये वाला सेटअप पूरा हो जाएगा। फिर जाति वाला करेंगे, फिर कार्य विवरण वाला, इस पर यूनिक आईडी डालेंगे शिक्षक की, तो यूनिक आईडी डिटेल आएगी तो ओके कर देंगे। फिर घोषणा होगा तो घोषणा, फिर समीक्षा करेंगे। इसके लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है। ये शिक्षक पंजीकरण इस पर दिया हुआ है, 16/8/2018 घोषित हुआ है, इस पर दिया। आप ये वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन सेवा पर जाएंगे, शिक्षक पंजीकरण पर जाएंगे।
जाएंगे, यहाँ आधार नंबर और कैप्चा कोड, यहाँ डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फिर सक्सेस हो जाएगा। फिर इस तरह खुलेगा आधार विवरण, जो मेरा इस तरह खुला हुआ है इसी तरह खुलेगा। उसको भर के फिर यहाँ पर मोबाइल वगैरह करके जाँच प्रमाण पत्र के विवरण देख लेंगे। तो ये सेटअप पूरा वही है, सिंपल रहेगा। यहाँ पर यूनिक आई डी डाल देंगे, फिर यूनिक आई डी मिलान हो जाएगा, फिर उसकी डिटेल कुछ आ जाएंगी, उसको क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर घोषणा होगा तो घोषणा पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। फिर समीक्षा होगी प्रोफाइल की, तो फिर प्रोफाइल की समीक्षा के अनुसार सब देख लेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आवेदन का पंजीकरण नंबर मिल जाएगा और उसकी सूचना वो उसके बाद मैसेज आ जाएगा और पावती प्रिंट करेगा, पावती प्रिंट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादातर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम जा रही है बायोमेट्रिक डिवाइस के ऑथेंटिकेशन में। पहले तो हो जाता था लेकिन थोड़ा क्या है, क्रोम ब्राउज़र में इस समय अपडेट आया है तो अपडेट के कारण नहीं हो पा रहा है। तो वीडियो एंड करते हैं।